नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। बड़ी और विशेष खबर, चारों तरफ आप एक ही चर्चाएं सुन रहे हैं कि संदीप खेल मंत्री ने किस प्रकार से एक महिला खिलाड़ी के साथ बदसलूकी की या एक गलत हरकत की, जिसको लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ियों के मोहरे बदल रहे हैं। जी हाँ, संदीप खेल मंत्री ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार में उनका एक अहम रोल है। वो एक ओलंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं, एक अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं, जिसके बाद वो विधायक बने और विधायक के बाद मंत्री चुने गए। उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो साफ छवि के इंसान रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भाजपा के नेता लुच्चे लफंगे हैं? संदीप खेल मंत्री ही नहीं बल्कि क्या अन्य नेता भी ऐसी हरकतें करते हैं? क्या अन्य नेताओं के खिलाफ भी ऐसे इल्जाम लगे हैं? जी हाँ, कुछ दिन पहले एक दूसरे स्टेट से वीडियो सामने आया था कि एक भाजपा नेता ने एक महिला को थप्पड़ मारा था। जी हाँ, बदसलूकी का मतलब यही नहीं होता, बदसलूकी का मतलब एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करना भी, उसको कुछ बुरे बोल कहना भी, या उसको कुछ गलत तरीके से उसको ऐसे करना या कुछ भी करना एक अभद्र व्यवहार में शामिल किया गया है। और ऐसी हरकत क्या संदीप खेल मंत्री ने की है, क्या वो कर सकते हैं, ये अंदाज़ा इस बात से नहीं लगाया जा सकता। इन चीज़ों में एविडेंस चलते हैं। कुछ नए मामले में गंभीर स्थिति में आपको बताऊँगा कि भाजपा के मंत्रियों को उनकी पावर का घमंड है, भाजपा के मंत्रियों को उनकी पावर का घमंड है, वहीं पर किसी महिला को भी एक महिला होने का घमंड है। मैं यहां पर दोनों को पहलू एक समान रख रहा हूं, क्योंकि यहां पर जब तक इस मामले की जांच नहीं होती तब तक कोई भी महिला अगर किसी भी पुरुष पर, यहां पर मंत्री छोड़ दीजिए, इल्जाम लगा देती है, शायद मान लीजिए झूठा इल्जाम भी लगा देती है, तो एक महिला के पीछे 10 लोग खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचती कि सच्चाई क्या है, मामला क्या है, क्यों हुआ, ये इल्जाम क्यों लगाएगी। सबसे पहले सोचने वाली बात है, क्या इतने बड़े ओहदे पर एक खेल मंत्री क्या ये छोटी सी तुच्छ हरकत करेंगे, एक सोचने वाली बात हो सकती है। क्योंकि इस मामले पर काफी विपक्ष, काफी राजनीति हो रही है, काफी लोग महिला के साथ या महिला कोच के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर जो महिला कोच ने जो इल्जाम लगाए, इन्होंने कहा है कि धमकियां मुझको मिल रही है, दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं। वहीं पर जूनियर महिला कोच ने कहा कि ऐसे ही सरकारी ऑफिस में बुलाकर यहां पर छेड़छाड़ की। संदीप ने कहा कि सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन जो महिला कोच ने जो बातें कही है वो बातें कुछ सोचने वाली नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इंस्टाग्राम से मुझे कॉन्टैक्ट किया गया, इंस्टाग्राम से मुझे चैटिंग की गई, संदीप खेल मंत्री ऐसे ऐसे बात करते थे, मुझे बुलाया। यानी एक तरह से यही सोचने वाली बात है कि खेल मंत्री को क्या इतना टाइम है खेल मंत्री के पास कि वो इंस्टाग्राम चैट करेंगे, बुलाएंगे, बात करेंगे, ये थोड़ा सा जचने वाली बात नहीं है। इसको लेकर कुछ बड़ी साजिशें हो सकती है। यहाँ पर स्टेटमेंट मेरे सामने आई है कि मनचाही पोस्टिंग का वादा किया। महिला कोच ने कहा कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने उसे कहा, मेरी बात मानने पर आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी, मनचाही जगह पोस्टिंग मिलेगी, पंचकूला से जजर उनका ट्रांसफर हो चुका है। महिला कोच ने बताया कि वह सिर्फ 400 मीटर का ग्राउंड है, इसके साथ इसकी ट्रेनिंग भी खेल मंत्री के निर्देश के बाद रोक दी गई है। यानी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच संदीप सिंह का अगर करियर देखा जाए तो हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं, ड्रेक फ्लिकर पेनाल्टी कॉर्नर के एक्सपर्ट है, 2010 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है, पहली बार विधायक बनकर वह खेल मंत्री बने हैं। संदीप सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जो भी आरोप महिला कोच के द्वारा लगाए गए हैं वो पूरी तरह से मिथ्या है और मैं इसमें किसी भी कोई समस्या नहीं है, मैं इस कोच से मिला भी नहीं हूँ, ऐसा उनका मानना है। वहीं पर एक विवाद ही बढ़ता जा रहा है, उपनिदेशक ने कहा कि महिला मेरे साथ बदतमीजी कर चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर खेलों की उपनिदेशक जो भी है, ड्यूटी डायरेक्टर खेल विभाग से, जूनियर एथलेटिक महिला कोच, उन्होंने कहा कि महिला काफ़ी बार बदसलूकी कर चुकी है, ऐसे मामला भी सामने आ रहा है, महिला का रिकॉर्ड देखा जाए, निष्पक्ष मामले से इस मामले की जाँच की जाए। मंत्री के पक्ष में डिप्टी डायरेक्टर आई है, उन्होंने कहा है कि महिला मेरे साथ भी बदसलूकी कर चुकी है, तो उस महिला का पिछला बैक का रिकॉर्ड देखा जाए, करियर देखा जाए, जिसके बाद ही इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया जा सके, कोच की पुरानी लाइफ की जांच की जाए।
और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेल मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती है। नवीन चहिंद ने भी खेल मंत्री को कहा है कि सरकार कार्रवाई ढीली सी कर रही है, क्योंकि जब उन पर कार्रवाई की गई तो उनको नेक्स्ट डे ही या सेम डे ही जेल में ट्रॉल डाल दिया गया, लेकिन संदीप को अभी तक टच भी नहीं किया गया, ऐसा नवीन जयहिंद का मानना है। यानी टोटली मिलाकर विपक्ष तो सरकार के पीछे ही पड़ चुका है। ऐसे में बताना चाहूँगा कि आज के टाइम यह भी नहीं कहा जा सकता है कि संदीप खेल मंत्री दूध के धुले हैं, और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि महिला कोच दूध की धुली है। उसने कह तो दिया कि संदीप खेल मंत्री ने मेरे को टच किया, सीएम आवास पर बुलाया, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएम आवास पर सीसीटीवी होंगे, सीसीटीवी लगे होंगे, कहीं से वो आई भी होगी, तो ये चीज़ें एक सीसीटीवी के माध्यम से देखा जा सकता है। इस मामले से अभी तक कोई भी खुलकर रुख सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन किसी के घर में जाने के लिए सीसीटीवी से होकर जाना पड़ता है। क्या वो घर कोच संदीप कोच कह रहे हैं कि मेरे से ये महिला कोच मिली ही नहीं, वो कह रही है कि मैं घर पे गई। सीसीटीवी चेक कीजिए, आसपास के सीसीटीवी चेक कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो घर पर आई है या नहीं आई है, दोनों के सच और झूठ सामने आ जाएंगे। तो इस मामले की जांच इस तरह से होनी चाहिए, इसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा SBN 24 के साथ। जय हिंद।